हरपुर बुधड़ थाना क्षेत्र में जमीन के विवाद में युवक की हत्या के मामले का खुलासा किया गया। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल फरार तीन हत्या आरोपियों को सहजनवा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल डंडा और ईंट बरामद किया। आपको बता दें, हत्या आरोपी अभियुक्त अजय प्रताप सिंह, पुत्र राम अधीन सिंह, विशाल सिंह उर्फ गोलू सिंह, पुत्र राम अधीन सिंह और विजय प्रताप सिंह उर्फ संतोष सिंह, पुत्र फूलदेव सिंह को हरपुर बुधड़ थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल भी बरामद किया। वहीं मामले का खुलासा करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जमीन के विवाद को लेकर दोनों पक्ष में मारपीट हुई थी। इस दौरान एक पक्ष के युवक की मौत हो गई थी। इस मामले में पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। वहीं आज हत्याकांड में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, मारपीट होने लगी बाहर, इन्होंने भी घर से आए, हम लोग भी घर से आए, उसको भी मार पीट लाठी डंडा से हम लोगों ने मार दिया। ये एक मुकदमा क्राइम नंबर 41/20 थाना हरपुर बुधड़ पर लिखा गया था, जो कि 31 तारीख को लिखा गया था और आज तीसरे दिन को गिरफ्तारी हुई है अभियुक्तों की। इसमें तीन अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, कुछ अनज्ञात भी लिखा गया है, जिसके बाद में विवेचना से जो प्रकाश में आएगा वो किया जाएगा। इसमें जो इनसे पूछताछ की गई और वादी पक्ष से पूछताछ की गई, इनका कोई एक ज़मीन का विवाद है और उस ज़मीन को लेके ये पानी उसी में डालने जा रहे थे, पानी चलाने के लिए, जो खेती वेती के लिए किया जाता है। उसमें कहा सुनी हो गई, गाली गलौज हो गया और आक्रोश में इन सबों ने उसको लाठी डंडे से और ईंट से मार के हत्या कर दी। पुराने और कोई आपराधिक इतिहास नहीं है इनका, एक तात्कालिक कोई मौका है जो कि मतलब ज़मीन का जो है, ज़मीन इन्हों कह रहे कि हमारी है और वो कहता है कि हमने इसकी लिखा पढ़ी करा ली है, इसी संबंध में गाली गलौज हुआ था और उसी क्षणिक उसमें उसने मारपीट होने के कारण उसकी हत्या की गई।